Hey guys, in today's video, I'm going to create a mascot logo in Adobe Illustrator. So let's start. तो यहाँ पे मैंने अपने मैस्कोट लोगो के लिए स्केच ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। तो आप जब भी लोगो बनाएं तो आप अपना स्केच ऑलरेडी एक रफ स्केच रेडी कर लें, जिससे आपको ट्रेसिंग करने में इजी हो। तो मैं इसको यहाँ से लेयर पे जाके डबल टैप करके इसको लॉक कर लूँगी। आपको अपने स्केच की जितनी भी ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। तो मैं इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं करूँगी। सेकेंड लेयर पे हम ट्रेसिंग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारी ये वाली लेयर लॉक हो चुकी है। फर्स्ट लेयर हमारी लॉक हो चुकी है स्केच वाली। एंड लेयर टू पे मैं अपनी ट्रेसिंग स्टार्ट करूंगी। तो फर्स्टली हम ट्रेसिंग करेंगे अपने स्केच से। तो मेरा मैस्कोट लोगो आउल से रिलेटेड है और हमेशा मैं अपने लोगो की ब्रेनस्टॉर्मिंग पिंटरेस्ट एंड बिहेंस से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हाफ़ करके लोगो अपना क्रिएट करूँगी। पहले मैं हाफ़ आउल की ट्रेसिंग करूँगी, देन मैं उसी पोर्शन को हाफ़ पोर्शन को फ्लिप कर दूँगी, जिससे मेरा लोगो सिमेट्रिकल लगे। तो हाफ़ पोर्शन पहले मैं रेडी करूँगी, देन मैं हाफ़ पोर्शन को फ्लिप कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं हाफ पोर्शन अपना रेडी कर चुकी हूँ। इस हाफ पोर्शन को मैं सिलेक्ट करके दूसरी साइड फ्लिप कर दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी ट्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो कभी भी आप मैस्कोट लोगो बनाएं तो पहले उसका स्केच रेडी कर लें एंड देन ट्रेसिंग करें। तो अब हम ट्रेसिंग कर चुके हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है ट्रेसिंग। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कलरिंग। तो फिलहाल मैं एक रैंडम बैकग्राउंड लगा दूंगी। तो मैं थोड़ी डिटेल्स ऐड कर दूंगी। Thank you.
हूँ, अब मैं टेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए मैं मैश टूल यूज करूंगी। सो दिस इज इट गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। ये वीडियो पसंद आए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैस्कोट लोगो से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।